हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। आप प्रभु जी कैसे हैं? कैसे हैं बाबू आप? ठीक है। अच्छे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे साथ में हमारे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र मांझी सर जो अनिगाड़ा विद्यालय के विज्ञान शिक्षक हैं, और साथ में माता जी खड़ी हैं। तो पहली आवाज़ माता जी की होगी कि खूंटी में लगातार ये प्रचार देख रही हैं भगवद गीता का, रामायण का, और प्रेरित होकर के कैसे माता जी रामायण ली, ये अभी माता जी के श्रीमुख से हम लोग सुनेंगे। तो माता जी हमारे दर्शकों को, भक्तों को आप संबोधन करें कि कैसे आपने रामायण लेना के विषय पे सोचा, बताएं। जैसे रामायण लेकर हम लोग इसके ज्ञान जानना चाहते हैं, पढ़ के इसका और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। इसका मतलब राम कथा में अच्छा लगता है। तो पहले आप वाल्मीकि कृत रामायण नहीं पढ़ी थी? जी नहीं पढ़ी थी। नहीं पढ़े थे वाल्मीकि कृत रामायण। तो आप इसे पा करके खुश हैं? खुश है। अच्छा अच्छा एकदम एकदम। अब हम लोग जानना चाहेंगे सर से, और सर हमें कुछ अवश्य ही बता पाएंगे कि कैसे इन्होंने ग्रंथ ली। सर आप कुछ आप भी संबोधन करें। मैं ये जो ग्रंथ हाथ में लिया हूँ, ये राम कृष्ण श्री कृष्ण ग्रंथ, ये मैं पहले नहीं पढ़ा हूँ, और इसको पढ़ करके आज के जनरेशन में जो बच्चों में कुछ अवगुण आ रहे हैं, उस अवगुणों को दूर करना चाहूँगा, क्योंकि उनको सिर्फ किताबी ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो धार्मिक ज्ञान उन्हें हासिल होगा तो वो अच्छे मार्ग पर चलेंगे और अच्छे कार्य करके देश का नाम रोशन करेंगे। आपने एकदम सही बातें कही। आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो अवश्य ही बच्चे आगे बढ़ेंगे और समाज का नाम रोशन करेंगे। जब एक शिक्षक अपने श्रीमुख से ऐसे वचन बोलते हैं तो समाज को अवश्य ही ऐसे में संज्ञान लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं समाज को अध्यात्म की ओर मुड़ना चाहिए, जिससे कि समाज सही रास्ते पे जाए। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, और भारत नव युवकों को संदेश जैसे दिव्य ग्रंथ को पकड़े हुए हैं। तो घर वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जो कि अभी के विद्यालय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी शिक्षाएं नहीं दे पा रही है, वह सनातन धर्म की शिक्षा हरे कृष्ण प्रचार केंद्र खूंटी के माध्यम से, इस्कॉन भक्तों के माध्यम से खूंटी के जनताओं के बीच पहुंचाई जा रही है। क्या इस सुविधा से आप लोग संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल संतुष्ट हैं। ऐसा कार्य होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, भविष्य में भी इस तरह की और भी किताबें आनी चाहिए। हम लोग पढ़ करके ज्ञान हासिल करेंगे और अपने बच्चों को भी उस ज्ञान को बांटेंगे। साथ ही साथ विद्यालय में तो ये सभी नहीं सिखाई जाती हैं। नीति शिक्षा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नीति ही सबसे बड़ी चीज है। नहीं, एक बात तो और आपने बहुत बड़ी कह दी कि नीति शिक्षा। तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नीति शिक्षा नहीं हो सकता है, और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन धरातल पर उतर रहा है, तो ये समाज में अवश्य ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों नीति शिक्षा को प्रकट करेगा और लोग सही मार्ग पर जाएंगे। तो आप सभी परिवारजनों के सदस्यों का मैं हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ग्रंथ को ग्रहण किया और आप अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हरे कृष्ण प्रचार केंद्र खूंटी के साथ आप सदैव बने रहेंगे। धन्यवाद प्रणाम। आपको भी धन्यवाद प्रणाम।